जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे विद्यार्थी सतीश वर्मा, जिनकी शाश्वत कोचिंग है अयोध्या में, और वहां की टेसरी से बच्चे आए हैं, अंजलि है, और एक बच्चा हमारा दिलदार नगर से आया, जमनिया के पास, जहां हमारा बचपन बीता है। अंजलि के मम्मी पापा हैं, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं कि इन बच्चों को कॉलेज मिलने जा रहा है। और ये सब बच्चे भी परेशान थे, जैसे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो परेशान हैं कि उनके लिए भी ये सुखद मोमेंट आए और उनके साथ बैठकर हम वीडियो बनाए। तो अंजलि की मम्मी हमारे साथ है, बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ आप जैसे सर होंगे वहाँ हर बच्चे का कल्याण होना न्यू लाइट में आके। मैं तो आपको नीट का द्रोणाचार्य अरे बोलती बाप रे हूँ बाप, सच में। आप जैसे सर SRB को जिंदा कर रखा आपने सर। जो बच्चे इतना निराश हो जाते हैं जिनको कहीं से भी कोई कामयाबी नहीं मिलती वो यहाँ आके न्यू लाइट में ये आके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है बीटेक बहुत आपका अच्छा लग रहा है करने सर। में? है बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये तो जब से इसका रिजल्ट आया तब से घर का माहौल चेंज हो गया एकदम। सर बिल्कुल मतलब खानदान की पहली डॉक्टर बनेगी क्या सर। बात है, क्या बात गांव है। में कोई भी नहीं है दूर दूर तक तो अंजलि तुम्हें डांट वांट पड़ती थी कि ठीक से नहीं पढ़ती हो, ये नहीं करती हो? सर। हम सपोर्ट पूरा था, डांट नहीं पड़ती थी सर। हाँ, मम्मी खुद तुम्हारी कॉपी अभी चेक करती थी हाँ सर, कितने वो नंबर क्वेश्चन आए, पेपर हाँ वे चेक कर देती थी और फिर बोल देती थी कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो फिर मैं उसे लिख लेती थी और सर। इतने जल्दी जल्दी टेस्ट होते थे कि हर हाँ सर बार। मेरे तो रोज ही मैं तो सारे टेस्ट ले लिए थे सर। 8वीं में होके भी मैंने सारे टेस्ट लिए थे। तो बस तो सर मैं यही बोलती थी कि टाइम वेस्ट मत करो, टेस्ट सीरीज जो मैं चेक कर दूंगी सिर्फ तुम पढ़ो। जितनी हाँ गलतियां उसको चार चार बार दोहराओ सारा अच्छा होगा इस बार। इस बार निकालना है। मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए देखती थी तो मैं कहती थी इतना अच्छा सर बायो पढ़ाते, इतने एमएस सर हम वो पढ़ाते काम तो पूछते थे केवल। पूछते थे अरे नहीं पढ़ाते भी थे कितनी आपने क्लासे ली हैं आपने वो। तो मैं बोलती थी सर इतना मिश्रा सर इतना सब फिजिक्स इतना बढ़िया पढ़ा रहे, आपकी जगह होती तो मैं निकाल लेती इस साल नहीं। तो बच्चों को सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप बच्चों का बराबर साथ देंगे तो पक्का बच्चे निकालेंगे। जो इस साल नहीं तो अगले साल तो निकालना ही निकालना है सर। बस चलिए, मैं यही बहुत अच्छा लग कहूंगी रहा है। अंजलि के पापा जी, कैसा लग रहा है सर बेटी डॉक्टर बन गई? सर। बेटी डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छा लग रहा है। सपोर्ट तो आप लोगों का सबका था ही, न्यू लाइट टीम का पूरा सपोर्ट रहा। आपके टेस्ट सीरीज, इसने सारे टेस्ट दिए, बायो टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मतलब इसका डेली टेस्ट अच्छा, रहता मतलब ही था। आपको भी सारे टेस्ट याद हो गए। सारे टेस्ट सीरीज लेके, और जैसे जब ज्वाइन किया था तो पापा ये सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है ले लो, बोले मेरा कोर्स पीछे चल रहा है लेकिन मैं ले लो, फिलहाल तो पढ़ा हुआ है, बस वो सीरीज ले लिया। सीरीज लेके जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से तैयारी करते रहे, और काफी तैयारी किया। सर लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। बीच में कभी डिप्रेस नहीं होती थी? नहीं, हम लोग इतना मौका नहीं देते, उसको उतना मौका ही नहीं देते थे, बिल्कुल डिप्रेस मोरल होने पूरा का। हाई रखते थे कि, हाँ सर, ये और ये तो भी सोच के आई थी कि इस बार देखिए, मुझे जब एक करना ही बच्चा है। सेलेक्ट होता है तो माँ बाप तो मेन है, उन्हीं के छत्र छाया में बच्चा पला बड़ा हुआ। तो सर आप जैसे ऐसे सर जहाँ होंगे वहाँ बच्चों को जरूर सब बच्चे कुछ करके दिखाएंगे। इतना चलिए, अच्छा आपका थैंक यू, आपने सपोर्ट है हमें सर। बहुत ज्यादा सर हमारी नजरों में तो आप भगवान बन गए इस वजह से, क्योंकि भाई हमारा बच्चा दूसरे साल में निकाल लिया बहुत बड़ी बात है सर। बच्चे इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं निकाल पाते हैं। आपने पहले दिन से उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। मैं तभी बोलती थी मैंने कहा बड़ी बात है यार, कोई को थोड़ी ना बोलता है। कुछ देखा होगा ना सर ने आप में। मेरे पास शब्द नहीं। सर हमारे साथ सतीश जी हैं, शाश्वत कोचिंग है इनकी फैजाबाद में, और वहाँ बच्चों टेस्ट सीरीज है। तो ऐसे सारे बच्चों को जो नहीं आ सकते कानपुर, जिनको किसी भी तरह की समस्या है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और फाइनली बच्चों, याद रखना आपको टेस्ट ही देना है। सतीश सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि जी आप वहाँ पे ब्लू लाइट के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, और आप वहाँ बच्चों को गाइड भी करते हैं। जी जी तो बच्चों से ये भी कहेंगे कि अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो सर ये भी अरेंजमेंट कर लेंगे इस साल से, कि बच्चों का एक वहाँ डाउट सेशन लगा वहाँ दीजिए डाउट वहां के पे, लिए है ना? हम बच्चों को इसे भी मैं कहता रहता हूँ कोई भी डाउट हो चले आइए वहाँ पर डाउट क्लियर किया जाता है। मतलब तीनों सब्जेक्ट के टीचर बैठते हैं डाउट के लिए टेस्ट के बाद। तो बच्चों, एक बहुत अच्छी चीज है। देखिए, सतीश हमारे विद्यार्थी भी हैं, तो जितना हम सोचते हैं उससे आगे के स्टेप मेरे बच्चे कर देते। तो आप वहां पे टेस्ट दो और जो जी डाउट हो वहां पे क्लियर करो, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो यार हमें डायरेक्ट फोन करो। एक मिशन है बेटा, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है कि ऐसे सारे बच्चे जिनके दिल दिमाग में डॉक्टर बनने का सपना है, उनकी जितनी भी मदद हो पाएगी करेंगे। थैंक यू सतीश सर। जी हमारे साथ ये बच्चा है देवी चौधरी
देवेंद्र, देवेंद्र 2-3 साल बाहर भी रह के कोचिंग की और उसके बाद घर आ गया। घर में रह के मम्मी के हाथ का खाना पानी और वहां पे टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयारी की और ये बच्चा सेलेक्ट हो गया। देवेंद्र बताओ कैसा रहा अनुभव? सर, मैंने पहले फिर सतीश सर के गाइडेंस में आने के बाद मुझे न्यू लाइट के बारे में पता चला और मैंने न्यू लाइट का मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। और उसके बाद उसका जो एनसीईआरटी पैटर्न का टेस्ट है उससे बेटर मुझे कुछ लगा नहीं और मैंने ब्लाइंडली उसी को ही फॉलो किया और जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। और सर मतलब सर भी गाइड करते रहते थे यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे बच्चे जो दूर हैं सर के पास नहीं है वो प्रॉपर वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और सर बीच बीच में बताते भी रहते हैं, बीच में उन्होंने बताया था कि इस साल बायो में लेवल आ खेला हो सकता है जाएगा। और बायो में लेवल हुआ इस बार। और वही है कि आप जो भी करें बस ब्लाइंडली फॉलो करते रहें इंस्टीट्यूट को, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। थैंक यू बेटा। तो बच्चों एक चीज आपको बता दें कि जब हनुमान जी को पता नहीं चला संजीवनी बूटी कहाँ है तो हिमालय लेके आए, तो ये हमें भी नहीं पता कहाँ से पेपर आएगा, किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बात तो पता है पेपर एनसीईआरटी से आएगा। तो इस बार बच्चों हमने अपने बच्चों की मदद से जो बच्चे सेलेक्ट हुए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पूरे टेस्ट के बाद एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं बची होगी। किताब उठाएंगे हम लोग, एक लाइन से सवाल बनाएंगे वो लाइन कट, फिर दूसरी लाइन सवाल बनाएंगे वो लाइन कट। तो अगर रेगुलर बच्चों टेस्ट होंगे तो कोई लाइन नहीं छूटेगी और तुम्हें सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे साथ आनंद भी है अयोध्या से, जी तुम भी फाइनली अपना अयोध्या चले गए, जी जी सब कुछ घूम फिर के इधर उधर, है ना? तो पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास साधन नहीं है और बच्चों को दूर नहीं भेज सकते तो अगर अयोध्या के आसपास है तो आप बिल्कुल जाइए शाश्वत करियर इंस्टीट्यूट में। घर में रहो यार, घर में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, पूछा तो एनसीईआरटी से ही जाना है। और बाकी तुम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब देखते रहो, सारी से बताते रहेंगे। और एक बात बता दें, बहुत आसान है नीट में सेलेक्ट होना, बस रास्ता सीधा पकड़ लेना, ये खूब अच्छे समझ लो तुम लोग। हाँ बेटा बताओ आनंद, तुम्हारे क्या अनुभव रहा? जी बढ़िया था अनुभव। हम यही कहना चाहेंगे कि अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए बस, नहीं तो फिर वही कॉन्फिडेंस जब डाउन जाने लगता है तो ड्रॉप के साथ धीरे नहीं धीरे। आनंद, एक चीज और होती है, जब बच्चा तैयारी शुरू करता है ना तो 10 रजिस्टर 10 किताबें फैला लेता है जी वो और भी बाद है, में रायता इतना फैल जाता है वो बटोर नहीं पाता है। तो वो शुरू से काम करे ज्यादा अच्छा है। जी वही अच्छा, तुम चारों लोग सेलेक्ट हुए, ये बताओ कि कोई सवाल एनसीईआरटी से बाहर बायो में आता है? बिल्कुल, है? एनसीईआरटी क्या, फिजिक्स अब वही बात है केमिस्ट्री ना, साल भर सांप को मारेंगे नागपंचमी वाले दिन दूध पिलाएंगे, मान लो आ गया तो, मान लो आ गया तो, अरे आना ही नहीं है, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में आया, 23 में कहां से आ जाएगा? तो सर नहीं आया सर, मैं तो उंगली लगा लगा के एनसीईआरटी ही पढ़ती थी सर। उंगली छोड़ के तीसरे पे तो मैं बोलती थी कि दूध दो तुमने मुझे छोड़ दिया, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए, पहले यहाँ पे लगता है पूरी तैयारी मम्मी ने कर ली है। सर मैं इन्हीं के साथ बैठ जाती थी पढ़ने, पापा ड्यूटी चले जाते थे तो बस। तो बेटा टीचर का रोल यही होता है कि आपको सही डायरेक्शन दे दे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और एक चीज अंजलि और बोलते हैं कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी बच्चे को जानना क्या छोड़ना है। अब वो पिरामिड वगैरह बहुत अच्छे से बताया था हमने आपको। हाँ सर, आपने क्लास ली थी लास्ट में तो 1 महीना आपने लग के क्लास ली थी तो वो भी मैंने अटेंड करी। तो क्या कहना चाहोगी उन बच्चों के लिए जो जिनको लगता है इतना ज्यादा पढ़ लिया इतना ज्यादा पढ़ लिया? सर मैं एक बात बता दूं सर, जितने भी नोट्स बनाते हैं हम लोग वो दोबारा हम लोग कभी नहीं उठाते हैं सर। हम लोग खोलते हैं एनसीईआरटी ही है सर, लास्ट में हमें लगता है अरे कुछ नहीं पता चलो एनसीईआरटी, जब लास्ट में वही करना है तो स्टार्टिंग से अगर वही करके चलेंगे तो सिलेक्शन पक्का है ना सर, तो बस एनसीईआरटी पकड़े सर। अच्छा, बच्चों को जो 2-3-4 साल लग जाता है उसका रीजन यही कि वो समझ नहीं पाते क्या पढ़ना है। हाँ सर, सर क्योंकि हम लोग 11th में नोट्स बनाते हैं, फिर 12th में नोट्स बनाते हैं, फिर 1 ईयर ड्रॉप के नोट्स बनाते हैं, फिर सर वो कभी हम लोग नोट्स नहीं उठाते हैं सर। मैंने तो खूब बनाया सर, मेरे यहाँ खुद ही इतनी नोटबुक्स नहीं। नोट्स बेटा बनाओ लेकिन समरी बनाओ, किताब में अगर 10 पेज है तो उसको 2 पेज बना लो ताकि इम्तहान वाले दिन उसको सर। जैसे कहीं जाना होता है ना तो अपना ब्रीफ केस में सारी चीज पैक कर लेते हैं, भैया इतना ही लेके जा सकते हैं, है ना? तो वो बहुत जरूरी है, उसी लिए हमने इस बार इनको क्विक रिविजन बना के दे रहे हैं ताकि इनकी कोई दिक्कत ना हो। चलो बेटा अंजलि, गॉड ब्लेस यू बेटा। और बताओ यार भैया। यस श्याम, तुम दिलदार नगर से आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मैं एक रूरल एरिया से आया हूँ। अरे हम भी तो रूरल एरिया से आए यार, वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है सर। ऑनलाइन आपने टेस्ट सीरीज दिया, पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, टेस्ट सीरीज ढंग का दिया नहीं था मैंने,
और सिलेक्शन ध्यान की टेस्ट सीरीज क्या मतलब है? मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर ही जो फ्रेम क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी से बाहर ना आए। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आते थे, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, फिर लास्ट में सब भूल जाना, डिप्रेस हो जाना। अब न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज पूरी एनसीईआरटी से, दिल से बोलो आप क्या बोलना चाहते हो, बिल्कुल सही बोल रहे, बताओ बच्चों क्या कहना है, न्यू लाइट छोड़ो कि जो पढ़ो एनसीईआरटी के अंदर ही रहो, एनसीईआरटी के बाहर ना जाओ, और टेस्ट सीरीज वैसा दो जो पूरी एनसीईआरटी वाइज हो, जैसे न्यू लाइट की है, यही टेस्ट सीरीज जो गलतियां हो उसमें उसको लिखो और उसको फिर टेस्ट सीरीज से पहले मिला लो क्या क्या गलतियां हुई है, फिर टेस्ट देने से पहले उसे टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है सर कि गलतियां मार्क करना। सर टेस्ट तो बहुत सारे दे देते हैं सर, गलतियां नहीं मार्क करी तो फिर सर एक बार गलती हो गई तो हम दोबारा अगर वो गलती करते हमें लगता है यार पहले कर चुके फिर वही कर रहे हैं। बताएं कुछ ऐसे बैट्समैन है क्रिकेट में जब वो पिच पे उतरते हैं खेलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम किस गेंद पे आउट हुए थे, मुझे इस गेंद में नहीं आउट होना। यस सर, सर वो करते भी हैं सर, मैंने कई बार देखा है मैं इस वाले बॉलर में आउट हुआ था तो अब इसमें नहीं होगा भले ही अगले वाले में हो जाऊं, पर सर ये बात तो है वही मैंने किया सर, मैंने तो विक्रम सर का मेरे पे पूरा गाइडेंस रहा है सर, उनने मेरे को एक एक चीज रात को एक एक बजे तक बताई है कि नहीं तुम करो, हम सो गए क्या नहीं पढ़ो, उनने काफी मेरा साथ दिया है और एक एक डाउट बायो का मैंने उनसे पूछा है सर लास्ट तक, और सर मेरा बायो हार्ड आया इसीलिए सिलेक्शन हुआ सर, वरना तो सर फिर फिजिक्स की वजह से सर डूब जाता है। हाँ तो भैया देखो एक बात बता रहे, नहीं पिछली बार क्या हुआ सब फिजिक्स 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 पागल हो गए है ना, अब क्वेश्चन ये है ना कि 90 क्वेश्चन बायो के हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ऐसा, तो कोई भी बैट्समैन सारी गेंद नहीं खेलता है, कुछ गेंद पे बैट हटा लेता है ठीक है ना। तो इस बार हमने टेस्ट शेड्यूल भी ऐसा फ्रेम किया है जैसे बायो मॉलिक्यूल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पॉलीमर जिनके सवाल सही हो सकते हैं, उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स शुरू किया, मैकेनिक्स तो चल ही रहा है, तो पहले उन चीजों पे ध्यान देना है एक अच्छे बैट्समैन की तरह कि कौन सी गेंद आराम से बाउंड्री के पार कर सकते हो। यस सर, मॉडर्न फिजिक्स तो मिश्रा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ नहीं है, अभी 180 गेंद खेलनी है और 20-20 का मैच है, टेस्ट मैच नहीं है, तो स्पीड चाहिए एक्यूरेसी चाहिए और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। नहीं नहीं अब आप लोगों का मैंने तो भगवान मुझे उम्मीद से ज्यादा दे दिया और मुझे मुझे यही खुशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए तो 1000 बच्चे निकलेंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे, आप आइएगा दोबारा। तो इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन के बाद हम लोग खुश बहुत हैं, तो खुशी में हम लोग मिठाई खाएं, अंजलि लेके आई है, अंजलि के मम्मी पापा दोनों हम बच्चों को, अरे बहुत इच्छा थी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये साल भी लगता बहुत ज्यादा स्पेशल है, स्पेशल भी चाहिए। थैंक यू सर, तो ये सब देख के लगता है कि जिम्मेदारी ज्यादा हो गई, तुम लोग भी सेलेक्ट हो जाओ, तुम लोग मम्मी पापा साल लेके आए, मैं थोड़ा लालची आदमी हूँ। लीजिए सर बहुत बहुत बधाई, आप खाइए थोड़ा खा लीजिए। लो यार सतीश सर को तो खिलाओ। हाँ हाँ आ जाओ बच्चों, आओ यार जल्दी सर को खिलाओ। अंत में हर मेडिकल एस्पायरेंट का एक सपना होता है, हमने देखा कि कुछ बच्चे अपनी किताब पे या कमरे में स्टेथो लगा लेते हैं, उसको देख के इंस्पायर होते रहते हैं, और मैं अपने को बहुत लकी महसूस कर रहा हूं कि जिंदगी में तुम लोग अब फ्लाइट अप्रिल स्टेट हो, तुम लोगों का एड्रेस कोड हो जाएगा, तो इसकी शुरुआत हम कर दें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मम्मी पापा लोग सबसे पहले बच्चे को कपड़ा पहनना सिखाते हैं, तो ये बच्चों आपके लिए है और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे इंसान बनकर देश और समाज की सेवा करोगे, और साथ में एक काम और करोगे कि इस तरह के जितने भी दुखी बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया है उनको जरूर बताओगे और सही राय बताओगे, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड है अपने बच्चों पे कि मेरे बच्चे संस्कारी बहुत हैं, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। एक बात और है बच्चों कि आदमी जितना ऊंचाई पे जाता है गिरता है तो चोट भी उतनी ज्यादा लगती है, तो अब आप नॉर्मल बच्चे नहीं हो और आपको कोई गलती करने का अधिकार नहीं है,
क्योंकि आपके पेरेंट्स माँ बाप इनकी उम्मीदें ज्यादा हो गई आपसे, इन बातों का भी ख्याल रखोगे। तो ये जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको हमारा संदेश है कि बेटा एक चीज होता है समय। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने मेहनत नहीं की, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपने कोई कमी छोड़ी। और पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि जो बच्चे नहीं सफल हो पाए उन्होंने कोई कमी छोड़ी। आठ सात आठ महीने का बच्चों टाइम है, और मैंने बताया था मैं रिजल्ट के बाद थोड़ा सेलिब्रेशन में लगा रहता हूँ बच्चों से मिलने में, क्योंकि देखना चाहता हूं कि जब वो परेशान होकर आए थे तो कैसे थे, आपके चेहरे पे खुशी है तो क्या डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें हमेशा देखने का मन करता है। तो बिल्कुल बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज तो शुरू हो ही गई, यूट्यूब पे भी जल्दी क्लास होगी, आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, और आठ महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ये बच्चे भी रो रहे थे, आज ये बच्चे खुश हैं, आ जाओ। तो ये जो बच्चों का एक सपना होता है, तो ये अप्रिल मेरी तरफ से, आइए सर आप भी, क्या बात है, मम्मी ने पहले कपड़ा पहनाया, आप देखो मम्मी अप्रिल पहना रही, पकड़ लीजिए सर, आपका आशीर्वाद है। चलो बड़ा बड़ा देखो साइज का, देखिए स्मार्ट, आ जाओ बेटा हेल्प करिए सर, कैसा लग रहा है ये? प्राउड महसूस हो रहा है, चेहरे की खुशी बता रही है। सर का नाम रोशन करना है कि यहाँ से पढ़ के निकले थे तो ये बन के आए, हाँ पहनते तो सारे लोग हैं लेकिन बन के, वेलकम, चलो साइज चेंज हो जाएगी, आओ बेटा। आनंद बाबू कैसा लग रहा है? तो कभी सपने में आता था कि कभी क्या बात है, आ जाओ बेटा, मजा आ गया है? हाँ, तो बच्चा लोग तुम लोगों के साथ भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, पढ़ाई शुरू कर दो, थैंक यू।